श्री रामचंद्र जी को कुत्ते ने बताया न्याय का अनोखा तरीका। श्री रामचंद्र जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राजतिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया हुआ था कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं वरन एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। अंदर आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ यह मेरे रास्ते में सो रहा था इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। यह कुत्ते जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहें, सो उन्होंने कुत्ते को पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्करा दिए और मुस्कराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफी चेले बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुत्ता बोला, मैं भी मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।